सेवा हिंदुस्तान व लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शिविर संपन्न हुआ। रक्त सेवा हिंदुस्तान व लायंस क्लब मंदसौर स्टार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। आपको बता दें कि रक्त सेवा हिंदुस्तान व लायंस क्लब द्वारा शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा व स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल भोपाल की हेड मोनल जाट दोनों के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने वाले प्रथम रक्तदाता लायंस क्लब मंदसौर स्टार की अध्यक्ष सोनिया नाहर ने रक्तदान किया व रक्तदान शिविर में सबसे लास्ट में रक्तदान करने वाले कन्हैयालाल मीणा ने रक्तदान कर शिविर को संपन्न किया। रक्तदान शिविर में रक्त सेवा हिंदुस्तान के संस्थापक नागेश्वर मालवीय, प्रदेश उपाध्यक्ष अंबाराम पाटीदार, जिला प्रभारी दीपक सोमवानी, जिला कोषाध्यक्ष हरिओम पवार, जिला सोशल मीडिया प्रभारी अनिल पाटीदार, विनोद परिहार व महिला टीम से विद्या कडोतिया, सोनिया नाहर आदि उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में आए सभी पदाधिकारियों को जिला प्रभारी दीपक सोमवानी ने धन्यवाद दिया व आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्ट इंडिया न्यूज, मंदसौर। आ गया है और किस किस संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में रखा है? आज शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर जी छाबड़ा के जन्मदिन में और भोपाल एसबीटीसी की हेड है मोनाजी जाट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, दोनों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये शिविर रखा गया है। और ये शिविर रक्त सेवा हिंदुस्तान तथा लॉयंस क्लब मंदसौर स्टार के तत्वाधान में रखा है। अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान किया? अभी तक 5 लोगों ने रक्तदान। आज जो शिविर रखा गया है वो किसके तत्वाधान में रखा गया है और किन किन किस विषय पर रखा गया है? श्रीमती पूनम छावड़ा जी के जन्म उपलक्ष्य पे एंड एसबीटीसी के तत्वाधान में इनके उपलक्ष्य में ये शिविर रखा गया है। रक्तदान रक्त सेवा हिंदुस्तान एवं लायंस क्लब